हेलो भाई, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महाराजा अजय देवगन सर की आने वाली सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी शैतान, जो कि आप सभी को पता है कि 22 मार्च को रिलीज होने वाली है। और वहीं इस मूवी के टीजर को लेकर पब्लिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जैसे कि आप सभी को पता है कि टीजर को लेकर तरह तरह की अपडेट्स निकल कर आई थी। पहले कहा गया था कि ये जो टीजर है हमें डंकी मूवी के साथ देखने को मिलेगा, फिर फाइटर मूवी के साथ, फिर कहा गया कि जनवरी के सेकेंड वीक में आएगा। और वहीं अब कहा जा रहा है कि ये जो टीजर है वो हमें 23 जनवरी को देखने को मिलेगा। और टीजर का जो रन टाइम है वो 1 मिनट 34 सेकंड। और भाई साहब, आप सभी को बता दूं कि इस मूवी का जो प्रमोशन है वो मेकर्स किस तरीके से कर रहे हैं, और वहीं इस मूवी के जो पोस्टर हैं उनको लेकर क्या अपडेट्स आ रही है, फुल डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी बात, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप इस अपडेट को देख सके। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शैतान मूवी का इस टाइम पब्लिक के अंदर क्रेज है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस तरीके का भोला मूवी का था। यस, यानी कि मैं भोला मूवी को इस मूवी के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि भोला मूवी भी कैथी मूवी का रीमेक थी, और वहीं ये मूवी भी वाश मूवी का रीमेक है। तो दोस्तों, दोनों ही मूवीज रीमेक थी, और रीमेक मूवी का क्रेज बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और भोला मूवी के टाइम अजय देवगन सर ने भाई साहब मूवी का बाप लेवल का प्रमोशन किया था। यस, यानी कि उस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अजय देवगन खुद थे, जिसकी वजह से अजय देवगन सर ने बाप लेवल का उस मूवी का प्रमोशन किया था। और प्रमोशन की वजह से उस मूवी ने काफी अच्छा कलेक्शन किया था, और भाई साहब वो मूवी है भी काफी अच्छी थी। लेकिन उसके बाद अगर बात करें अब शैतान मूवी की, तो भाई साहब शैतान मूवी का आप सभी को पता है कि इस टाइम पब्लिक के अंदर क्रेज है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो मेकर है वो भाई साहब काफी ज्यादा स्लो है। यानी कि प्रमोशन को लेकर भाई साहब मेकर पूरे तरीके से सोए हुए हैं। यानी कि अभी तक शैतान मूवी का हमने एक ऑफिशियल पोस्टर भी नहीं देखा। यस, यानी कि अभी तक आप सभी को पता है कि अजय देवगन सर की लुक किस तरीके की होने वाली है, क्योंकि अभी तक पोस्टर ही नहीं आया। यस, यानी कि मेकर इतने ज्यादा स्लो चले हैं इस मूवी को लेकर, भाई साहब टीजर को तो छोड़ ही दो ना, यानी कि टीजर से पहले मेकर ने पोस्टर देना ही देना है, या फिर अनाउंसमेंट वीडियो देंगे, या फिर पोस्टर देंगे ही देंगे, उसके बाद ही टीजर रिलीज होगा। लेकिन भाई साहब, अगर मेकर इस मूवी से टीजर से पहले 2 या 3 पोस्टर भाई साहब अजय देवगन सर के और उसके साथ साथ जो मेन लीड एक्टर है उनके लेकर आ जाते हैं, तो भाई साहब आप सभी को पता है कि इस मूवी का जो क्रेज है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई साहब इस मूवी का जो प्रमोशन है वो उस तरीके का नहीं हो रहा जिस तरीके से ये मूवी डिजर्व करती है, क्योंकि भोला के टाइम अजय देवगन सर ने बाप लेवल का प्रमोशन किया था, जिसके बाद वो भाई साहब मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी चली थी और वो मूवी हिट रही थी। और वहीं अगर बात करें इस मूवी की, तो भाई साहब इस मूवी से उम्मीदें मुझे ज्यादा हैं, लेकिन जिस तरीके से इस मूवी को हल्के में मेकर्स ले रहे हैं ना, उससे मुझे कुछ थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस मूवी का कंटेंट बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। और कहा जा रहा है कि भाई साहब इस मूवी की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा तगड़ी है। यस, यानी कि मूवी के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस भी किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेकर है वो भाई साहब अगर मार खा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन को लेकर खा रहे हैं। यस, यानी कि मैं ये नहीं कहता कि भाई साहब आप टीजर से पहले इस मूवी के लगातार 8-10 पोस्टर लेकर आओ, बल्कि 1 या 2 पोस्टर तो लाजमी आने चाहिए ना। यानी कि अजय देवगन सर की जो लुक है वो तो भाई साहब पब्लिक को पता होनी चाहिए ना कि हमें इस तरीके की देखने को मिलने वाला। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेकर है वो भाई साहब इस मूवी का जो प्रमोशन है वो काफी स्लो तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि भाई साहब इस मूवी का जो पोस्टर है वो हमें टीजर से 3 या 4 दिन पहले देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर टीजर से 3-4 दिन पहले पोस्टर आता है तो काफी अच्छी बात होगी, लेकिन अगर टीजर से भाई साहब 10-15 दिन पहले पोस्टर आ जाए तो मैं कहता हूं ना कि भाई साहब मूवी का जो क्रेज है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मेकर्स को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि भाई साहब अगर मूवी का प्रमोशन नहीं होगा तो भाई साहब मूवी का जो क्रेज है वो पब्लिक के अंदर कैसे क्रिएट होगा? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप इस अपडेट को देख सकें।